तो दोस्तों टेक की बात है कि इस वीडियो में बात करेंगे आईको के G6 के बारे में या फिर Z6 बोल सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, वो आज इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया, तो क्या है उसका स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस में लॉन्च हुआ है और कब तक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि आईको का Z6 लॉन्च हो गया है, तो पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो यहाँ पे कर देना, तो फ्री का है भाई, सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं इसका यानी कि आईको Z6 के बारे में या फिर G6 के बारे में बात करते हैं। तो पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो इस बार जो आईको का जेड सीरीज का डिजाइन आया है, ये पिछले जो उसका जेड सीरीज आया था, Z5 आया था, Z3 आया था, उस तरह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा अलग डिजाइन है, थोड़ा क्या बहुत अलग डिजाइन है। और ये किस तरह देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि वीवो का अभी नया सीरीज आ रहा है, T सीरीज बोल सकते हैं, जो जिस डिजाइन में आ रहा है उसी तरह आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर से आजकल फ्लैट डिजाइन यानी कि इस तरह का डिजाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फ्लैट डिजाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप फोटो भी देख सकते हैं किस तरह आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अब डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल रहा है, यानी कि 1080p का डिस्प्ले मिल रहा है। LCD पैनल है, यहाँ पे आपको AMOLED नहीं मिलेगा, लेकिन रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120Hz का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। अब प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम की तरफ से 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और Adreno का 619 वाला यहाँ पे आपको GPU देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेसर, ये सेम प्रोसेसर है, ये 5G प्रोसेसर है, ऐसे पहले से बता देता हूँ। तो ये 5G प्रोसेसर है और ये सेम प्रोसेसर जो कि आपको रिसेल Realme का 9 Pro लॉन्च हुआ था उसमें आपको देखने को मिलता है, तो वही वाला प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही कंपनी का दो सिस्टर कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सब बिलोंग करते हैं, जो Realme हो गया, Vivo हो गया, Oppo हो गया और ये जो IQ है सब है। और IQ तो Vivo का सब्सिडियरी है बोल सकते हैं, जैसे Oppo का Realme है उसी तरह IQ Vivo का है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये दोनों कंपीट करेंगे, एक ही कंपनी का है लेकिन दोनों के बीच कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेसर के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और रैम रोम वेरिएंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। जो स्टोरेज क्वालिटी है वो सेम है, लेकिन जो रैम वेरिएंट है वो अलग है, 4GB 120GB 6GB 120GB एंड 8GB 120GB और UFS 2.1 यहाँ पे आपको स्टोरेज क्वालिटी दिया गया है। तो 3 वेरिएंट दिया गया और ये आजकल जो एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो 4GB है वो एक्स्ट्रा 4GB एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि लगभग 8GB तक जा सकता है। वर्चुअल जो मेमोरी सिस्टम दिया गया आजकल, एक्सटेंडेड रैम बोल रहे हैं, वो सिस्टम आपको ये फोन में भी देखने को मिल जाएगा। अब कैमरे की बात करते हैं, तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, जो मेन कैमरा होगा 50MP का होगा और उसके बाद 2-2MP वाले छुटपुट वाले कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, 16MP का यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बाकी जो की बात करते तो 4G मिलेगा, वोल्ट मिलेगा, एंड्रॉइड 12 फंटच OS के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, जो Vivo का OS बोल से कस्टमर है वही वाला है, यहाँ पे IQ में मिलता है, तो फंटच OS के ऊपर एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे बताया 4G वोल्ट मिलेगा, 5G मिलेगा, साइड माउंटेड वाला यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 5000mAh का बैटरी मिलेगा, Type-C पोर्ट मिलेगा और 18W का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 30W देते तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। अब प्राइस की बात करते हैं और कलर के बारे में बात करते हैं, तो ब्लैक एंड ब्लू दो कलर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। प्राइस की बात करते हैं, जो बेस वेरिएंट है 15,500 शुरू होता है, यानी कि 4G 120GB, उसके बाद जो नेक्स्ट है 6G 120GB उसका प्राइस रखा गया 17,000 रुपीज, और जो उसके बाद हायर वेरिएंट है यानी कि 8G 120GB उसका प्राइस रखा गया 18,000 रुपीज। अब ये कहां पे मिलेंगे, कब से मिलेंगे, तो 22 मार्च से ये आपको देखने को मिल जाएगा Amazon.in के ऊपर। और ये भी बता दूं कि यहां पे अगर आप फास्ट सेल जो 22 तारीख को है वहाँ पे आप बाय करेंगे, तो अगर HDFC कार्ड यूज करते हैं तो आपको 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो बेस वेरिएंट है 4G वाला वेरिएंट, वो समय रहना आपको 13,500 में देखने को मिल जाएगा, अगर आपके पास कार्ड है तो। अगर नहीं है तो भाई जो प्राइस बताया वो आपको देना पड़ेगा। अब आखिर में बात करते हो थोड़ा कि फ़ोन कैसा है, तो फ़ोन ओवरऑल ठीक ठाक है, इस प्राइस में ठीक ठाक आया है, लेकिन ये कम्पीट करेगा Realme 9 Pro को और बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर देने वाला है। अभी से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जो 9 Pro है वो इससे ज़्यादा प्राइस में आ रहा है, समझ रहे हैं, 16-17 हज़ार के आसपास वो आ रहा है और ये उससे कम प्राइस में मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी टक्कर देने वाला है। और इसमें लिक्विड कूलिंग वगैरह भी है, क्योंकि जो IQ का फ़ोन ज़्यादातर होते हैं गेमिंग सेंट्रिक होते हैं, ज़्यादा गेमिंग के ऊपर सेंट्रिक होते हैं, तो इसीलिए इसमें आपको गेमिंग क्वालिटी भी अच्छा देखने को मिलेगा, तो इसी वजह से भी ये उसको बहुत ज़्यादा टक्कर दे सकता है। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये था दोस्तों
आईकू G6 की कहानी। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के तो यहाँ पर कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखे टेक यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।